नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीबीसी फिल्में। बिग बॉस ऑडिटरी 2 की फाइनलिस्ट मनीषा रानी ने शो के रनर अप अभिषेक मल्हान से हॉस्पिटल जाकर मुलाकात की। अभिषेक फाइनल अटेंड करने के बाद सीधा हॉस्पिटल एडमिट हो गए। जी हाँ, आपने सही सुना, दरअसल अभिषेक को डेंगू हो गया। उन्हें डेंगू की शिकायत है, इसी वजह से उन्हें फाइनल्स में परफॉर्म भी नहीं किया था। मनीषा ने अपने पिता के साथ हॉस्पिटल जाकर अभिषेक का हालचाल जाना है। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। मनीषा ने वीडियो शेयर कर लिखा कि शो भले ही किसी और ने जीता, लेकिन असली विनर अभिषेक मल्हान ही है। उन्होंने लिखा कि अभिषेक ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन अपने गेम से उन्होंने पूरे इंडिया का दिल ज़रूर जीत लिया है। मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मनीषा रानी हॉस्पिटल के एक रूम में आती है जहाँ अभिषेक पहले से एडमिट रहते हैं। कमरे में घुसते हुए अभिषेक को गले लगाती है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अभिषेक मनीषा के पापा के पैर छूते हैं। जाहिर है कि बिग बॉस के घर में इन दोनों की दोस्ती खूब चली थी। शुरुआत से लेकर अंत तक दोनों दोस्त बने रहे। मनीषा ने जब अभिषेक और एल्विश में से एक चुनने की बात आई तो उन्होंने अभिषेक का नाम लिया था। मनीषा ने अभिषेक के लिए वीडियो शेयर कर लिखा था, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का हीरो तू ही है। तूने भले ट्रॉफी नहीं जीती हो, लेकिन तूने पूरे इंडिया का दिल जीत लिया है। मेरे लिए तू हमेशा से विनर रहा है। बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसमें से एक खास तेरे से दोस्त भी दिया है। अगर इस सीज़न में तू नहीं होता तो मेरी जर्नी बहुत मुश्किल होती शायद। उम्मीद है कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी रहे। अभिषेक मल्हान एक फेमस यूट्यूबर है। यूट्यूब पर उनका फुकरा इंसान नाम से चैनल चलता है। उनके 77 लाख से ज़्यादा अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 की शुरुआत से ही उन्हें ट्रॉफी का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हालांकि वे एल्विश यादव से पिछड़ गए। टॉप 3 में एल्विश, अभिषेक और मनीषा रानी पहुंची थी। मनीषा के बाद फिर अभिषेक और एल्विश ही बचे। इन दोनों के बीच लाइव वोटिंग के जरिए विजेता का चुनाव किया गया और जाहिर सी बात है आप सबको पता ही कि एल्विश यादव सीजन 2 के विनर बने थे।